ग्वालियर में हाई अलर्ट के बीच पुलिस के मजबूत सुरक्षा दावे की पोल एक बार फिर खुल गई है। 24 घंटे में तीसरी लूट ने यह साफ बयान कर दिया है कि बदमाशों के अंदर अब पुलिस का खौफ पूरी तरह से खत्म हो गया है। ताजा मामला शहर की पॉश कॉलोनी का है, जहां घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी बुजुर्ग महिला के साथ लूट की और फरार हो गए। दरअसल ग्वालियर के झांडी रोड थाना क्षेत्र के हरिशंकरपुरम में रहने वाली 65 साल की बुजुर्ग महिला कृष्णा गुप्ता अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। इस दौरान एक युवक ने पता पूछने के बहाने से गले के सोने की चेन लूट ली। महिला ने वारदात की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची CSP झांसी रोड सकरल हिना खान ने आसपास के इलाके में अलर्ट किया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ग्वालियर से योगेश विसारिया की रिपोर्ट। जी, 25 फरवरी की शाम की घटना है। शाम को 7:30-8 बजे के आसपास एक महिला अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी। एक व्यक्ति उनसे पता पूछने के बहाने आया और जैसे वो उसको पता बताने के लिए आगे बढ़ी, उसने उनके गले से चेन छीनी और वो भाग गया। फुटेज सामने आया, उसमें फुटेज में भी दिख रहा है कोई पहचान हो पाई किसी का? काफ़ी सारा फुटेज हमें मिला है, जिसमें वो पहले तो कपड़ा बांधा हुआ था और फिर जब वो कपड़ा बांधते हुए आगे बढ़ रहा है, वो फुटेज भी हमने सेव किया हुआ है। उसका हुलिया हमने सभी जगह सर्कुलेट कर दिया है और अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी हो जाएगा। कोई वाहन और उसके साथ में कोई व्यक्ति और कोई दिखा साथ में? नहीं, अभी तक कोई वाहन या कोई साथी तो नहीं दिखा है उसका। जहाँ तक वो CCTV कैमरा की नज़र में आ रहा है, वहाँ तक वो पैदल ही गया है।